बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। एक तो तुम फोन इतनी देर में उठाते हो। आधा घंटा हो गया तुम्हें निकले हुए शान। एक आइसक्रीम तो लेने गए थे, इतना वक्त लगा दिया। अरे यार तुम रुकने का नाम नहीं लेती, बोलती हो तो बोलती शुरू हो जाती, ट्रेन की तरह चले चले जा रही हो। रात में 3:30 बजे कोई आइसक्रीम खाता है क्या? तुम्हारी नहीं रही फरमाइश, अब यहाँ पर कहाँ ढूंढूं? अंधेरा सड़क कुछ भी नहीं, और ये दूर पता नहीं क्या कुछ रोशनी मुझे नजर ही नहीं आ रही। एक आध लाइट जल रही है, पता नहीं अभी क्या है, दुकान है क्या है, देखता हूँ यार। अच्छा, और तुम खुद जो बोले जा रहे हो खुद को नहीं देखोगे? क्या हो गया, बोलती क्यों बंद हो गई? हेलो, कितना बुरा आदमी है बेचारा, रोड पे खड़ा है अकेला, गाड़ी खराब हो गई है, कितनी सर्दी लग रही है इसको। सवेरा मैं तुम्हें कॉल करता हूँ, मैं इसकी थोड़ी सी हेल्प करता हूँ। अरे छोड़ो उसको, पता नहीं कौन है क्या है, रहने दो। इतना ज़ईफ आदमी है यार। नहीं नहीं नहीं, मैं देखता हूँ। हाँ मैं कॉल कर रहा हूँ तुम्हें, मैं कॉल कर रहा हूँ तुम्हें। हद है। अरे 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 अरे, गाड़ी खराब हो गई आपकी, तो मैं कुछ मदद कर सकता हूँ क्या आपकी? ये आपके साथ है? ओए फैसल, फैसल, गजल, हेलो, रुक, गजल। तुम्हारी तो आज मायू थी ना, तो इतनी रात गए तुम उसे लेकर क्यों गए? तुम पागल तो नहीं हो गए? मैंने उन्हें बहुत मना किया, लेकिन वो सुनती ही कहाँ है जब वो जिद में होती है। मैंने लाख समझाया कि रात बहुत हो गई है। वो तो बच्ची है, तुम भी बच्चे बन गए उसके साथ। मेरी बेटी, मेरी गजल, कुछ तो कीजिए ना। फिर हाईवे पे जाने से थोड़ा सा पहले हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। ओ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि गाड़ी क्यों बंद हुई, मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि मेरी बेटी को किसने किडनैप किया। तुम समझ रहे हो मेरी बात? जी, हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, आपका क्या ख्याल है? तो फिर कहाँ जाऊंगा, चलो। जी आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, हम लोग जा रहे हैं ना पुलिस स्टेशन। ए भाई चलो। जी दिलासे बाद में देते रहना। क्या हो गया, फोन क्यों बंद आ रहा है इसका? सवेरा शान का पता चला, रात के 3 बज गए। नहीं खाला, वो कह रहा था कि किसी बूढ़े की हेल्प कर रहा हूँ, गाड़ी खराब हो गई उसकी, उसके बाद से कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा। तो तुम्हें क्या जरूरत थी उसे इस वक्त बाहर भेजने की? देख रही हो कितनी रात हो गई है। तो मुझे तुम लोगों की समझ नहीं आती है, हद होती है लापरवाही की। वो वहाँ बूढ़े की मदद कर रहा है और यहाँ बूढ़ी माँ परेशान बैठी है। कौन हो तुम? अंधेरी रातों में निकलती हो मासूम लोगों को लूटने के लिए, धसने के लिए, और ये माइयों का कॉस्ट्यूम पहन लिया ताकि मेरे जैसे शरीफ लोग जल्दी अट्रैक्ट हो जाए? तुम पागल वागल तो नहीं हो कहीं? बोले जा रहे हो बिला वजह। मैं अगर माइयों का जोड़ा पहनकर लोगों को लूटने निकलती ना, तो इस वक्त यहाँ तुम्हारे साथ ना बंदी होती। हाँ बंदी तो हो तुम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कसूरवार नहीं हो, कसूरवार तुम हो, तुम्हारा कोई सीन होगा। मेरा क्यों सीन होगा, मैं तो अपने मंगेतर के साथ ड्राइव पर निकली थी, टायर पंचर हुआ और मैं यहाँ फंस गई। छोटी औरत। ओ, औरत जैसे क्या, लड़की कहते में मौत आती है। हाँ तो मंगेतर कहाँ था, वहाँ ना मंगेतर था, ना मंगेतर नाम की कोई चीज थी, तुम तो अकेली खड़ी सर्दी में ठिठर रही थी वहाँ पे। जब ही तुम आ गए लाइन मारने, मेरा मंगेतर ना टायर चेंज कर रहा था, पीछे था वो। मुझे तो तुम्हारा ही कोई सीन लगता है, तुम्हारी वजह से ये लोग मुझे भी उठा कर ले आए। मेरा क्या सीन होगा, मैं तो घर से निकला था आइसक्रीम लेने के लिए। किसके लिए? क्यों माँ हो तुम मेरी, तो मैं बताऊँ किसके लिए निकला था।
पहचाना? क्यों, तुम क्या मेरे बाप हो जो तुम्हें पहचानूंगी? इनके साथ बदतमीजी करती है। तू तू तमीज से अस्मा की शादी, अस्मा तुम्हारी सहेली मायू, ढोल बजाती लड़कियां और वो गाना तुमने सब्ज कलर के कपड़े पहने। देखना क्या टाइम हो रहा है? नौ। ये वही नौ है जब तुम मेरे दिल में उतर गई थी। उसके बाद से घड़ी आगे नहीं बढ़ी, मैंने रोक दिया, फिर मैं जेल चला गया। जब वापस आया तो तुम, मुझे पता चला कि तुम्हारी परसों शादी है, मेरे तो पैरों तले से जमीन ही निकल गई। मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं, पर मैंने फैसला किया कि क्यों ना तुम्हें उठा लिया जाए, और फिर मैंने उठा लिया। तुम मुझे छोड़कर इससे शादी करने जा रही थी? नहीं 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 भाई, गलत फहमी हो रही है। और फिर मैं इससे शादी करूंगा? इससे क्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? झूठ। अबे मरने से पहले तो सच बोल दे ताकि तेरी आखिरत सवर जाए। जी जी जी, राइट, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तुम मेरी बात सुनो, तुम पागल वागल तो नहीं हो कहीं? मेरी शादी है परसों। परसों ही तुम्हारी शादी होगी, जरूर होगी, पर इससे नहीं, मुझसे। और तेरे इस मंगेतर को मैं गवाह बनाऊंगा। भाई मैं आया आस्क यू क्वेश्चन। मैं तो गली रहता है। तूने भाई को गाली दी? कब गाली दी? मैंने कब गाली दी? अभी अंग्रेजी में क्या बोल रहा था? भाई ये लोंडा अंग्रेजी में आपको गाली दे रहा है और भाभी खिलखिला के हंस रही है। अरे इसकी मुस्कुराहट की खातिर तो हम जान देते हैं। और इसके इस मंगेतर को पता मैं क्यों छोड़ रहा हूँ? क्योंकि ये तीसरा गवाह होगा, दूसरा तू, पहला ये। मुझे गाली देने से पहले 100 बार सोचा। मैं पहले जानता था कि जो चक्कर है तेरा चक्कर है, और थोड़ी सी शर्म होती, थोड़ी सी आया होती तो इन गुंडे मवालियों से पेटरे लड़ा रही है। किस घर से हो? डाइन हो? मैं जब बोल रहा हूं कि मुझसे शादी नहीं हो रही, मैं इस लड़की से शादी करूंगा, तो आगे से उनको कह रही हो कि नहीं? ऐसा बोल भी कैसे सकते हो? ये सोचा इस बात का मतलब क्या गया? अरे मैं तो निकल जाता, मैं बच गया यहाँ पे। ज्यादा चीखने की जरूरत नहीं है, समझे? मुझे बस गुस्सा आ गया था। मैं इतनी खूबसूरत हूँ, कोई मुझसे इतनी बदतमीजी से कैसे कह सकते कि मैं इससे शादी कैसे करूंगा? तू आई बड़ी कुलूपतरा, खूबसूरत, इस बात का उससे मतलब क्या ले लिया? उसने मतलब ये ले लिया कि मैं मंगेतर हूँ, तेरी मेरी शादी हो रही है। और इसका तासुर का क्या है? क्या क्या समझ रहे हैं वो लोग? ज्यादा चीखने की जरूरत नहीं, 2 मिनट चुप हो जाओ और मुझे सोचने दो, समझे? तू बड़ी आई बुकरात, सोच ले, तेरा आईक्यू लेवल तो समझ आई क्या मुझे? इन होने मवाली उसको पैंतरे लड़ाए में। क्या हुआ, कुछ पता चला गजल का? आप परेशान ना हो,
पुलिस वालों ने पूरी तसल्ली दी है, जाए बकुआ से एक और गाड़ी भी ट्रेस हुई है, बस आप फिक्र मत करें। आए, मेरा जान पता नहीं किस मुसीबत में फंस गया। गाड़ी तो मिल गई पर जान कहाँ है, जान अगवा हो गया। मैंने उसको कहा भी था उस बूढ़े आदमी के पास नहीं जाए, लेकिन वो सुनता कहाँ है मेरी। चुप कर जाओ तुम, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, आइसक्रीम ना मंगाती तो क्या हो जाता। पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है, अपने मंगेतरों को गुलाम समझती हैं, आधी आधी रात को दौड़ा रही है। मेरा शादी के बाद क्या करेगी तू? बस कर दे खाला, इतना भी नहीं रोए, कर दिए ना पुलिस में रिपोर्ट, आ जाएगा वापस। सोच लिया या और सोचना है? ये मरने का इंतजार कर रही हो मेरे, और मैं जानता हूँ सोच क्या रही होगी, उस भाई के साथ कहीं हनीमून प्लान कर रही होगी। भाभी वो भाई कह रहे कुछ चीज चाहिए तो नहीं? रिहाई चाहिए बॉस, देंगे आप? ओए मस्करी ना कर, भाभी की वजह से रिहाई चल जाए वरना। ए अपने भाई से जाकर बोलो मैं बुला रही हूँ। भाभी बुला रही है भाई को, यहाँ खड़े वो घूर, भाई ये भाभी को घूर रहे है। अब अगर तुमने एक दफा और मुझे भाभी कहा ना तो मैं बता रही हूँ अच्छा नहीं होगा, समझे? और ये गुंडे मवाली फुटपाती है जो भाभी 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 कर रहे हैं, वो क्या? वो तो उस भाई के चमचे, तुम भी हो। आपने मुझे याद किया? ऐसा वैसा याद भाई, पल पल बेकरार है, हर वक्त आपका नाम पुकार रही है, कह रही है भाई को बुलाओ भाई को बुलाओ, मिलना है। तुझसे पूछा मैंने, पूछा मैंने तुझसे? No! जी मैम, आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? तुम कैसे इंसान हो, मुझे तकलीफ में रखा हुआ है, मेरे हाथ में बहुत तकलीफ हो रही है, प्लीज मेरे हाथ खोल दो। अगर मुझे याद नहीं था तो कम से कम तुझे तो याद रखना चाहिए था कि भाभी के हाथ बंधे हुए, तूने तो खोले क्यों नहीं, जल्दी से खोल, बाहर बैठा हुआ नशा कर रहा है ये। और मेरे भी हाथ खोल दो, मेरे भी हाथ खोल दो, मैं तो गवाह हूँ भाई, मैं तो गवाह हूँ, मैं साइन कैसे करूंगा मैं, खोलो खोलो खोलो। अबे रुक, बड़ा फास्ट चल रहा भाई, मैंने तुझे बोला किसके हाथ खोल है? ये मेरी गजल से शादी करने चला था, तेरे हाथ खुलेंगे पर निकाह वाले दिन। आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? परसों हमारी शादी है ना, तो ये मैं आपके लिए लाया था। बाय बाय, तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत का वास्ता, इस गजल का वास्ता, मुझे खोल दो भाई। अबे ओए, जब उसने मेरे हाथ खोल दिए तो मैं तेरे हाथ खोल सकती हूँ ना, इतना ओवर ड्रामा क्यों कर रहा है नौटंकी बास। जल्दी से मेरे हाथ खोल दे गजल, मेरे पूरे जिस्म में खारिज पड़ गई है, बैठे बैठे अकड़ गया हूँ मैं, जल्दी से मेरे हाथ खोल दे। चुपचाप बैठा रहे ऐसे ही बंधा हुआ, मैं अभी नहीं खोल रही वरना उन्हें शक हो जाएगा। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे घर जाना है, मैं घर जाना चाहता हूँ, मेरी बूढ़ी माँ रास्ता देख रही है मेरा, मेरी जवान मंगेतर बेटी मेरा इंतजार कर रही है, मुझे निकालो यहाँ से। और कर ठरक, और अकेली लड़की को देखकर मदद करने, अब तो तू पूरी मदद करेगा बच्चू, वहाँ तेरी मंगेतर तेरा इंतजार कर रही थी ना आइसक्रीम लाएगा, और तू मुझसे फ्लर्ट कर रहा था। और वो तेरा मंगेतर पूरी दुनिया को खबर हो गई, लेकिन वो गाड़ी के पीछे गुजरा, निकला नहीं जब तक तुझे गुंडे उठा के नहीं ले गए। फोन कर बुला उसको। मेरे बाप का ना यहाँ पीसीओ नहीं खुला हुआ है जो मैं उसे फोन करूँ और बुला लूँ, अब तो तू ही निकालेगा मुझे यहाँ से। भाई आग इसी जोर से चल रही है यार, बुझा इसको। अरे आग से याद आया, तूने अपनी होने वाली भाभी की आंखें देखी, कितनी प्यारी है भाई। भाभी की आंखें भाई, VIP जब
भाभी की आंखों को देख। अबे दिल तो करता है कि तेरी आंखें निकाल के मैं नाली में फेंक दूं। भाई मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। ले लेगा तो तेरा बाप भी। भाई ले ली ले ली। भाई भाभी मैं नहीं भाई। भाई कल मेरी शादी होगी भाई। आपकी शादी में ना, आपकी शादी में जश्न होगा भाई। जंगल में मंगल वगल होगा भाई। मेरी फौज थर्ड क्लास, मैं हूँ फर्स्ट क्लास। गवाह का बंदोबस्त मैं कर लूंगा। मैं इसके मंगेतर को तो पहले मार दूँ। वो नशे में और तुझे कत्ल करने आ रहे हैं। मेरे हाथ खोल दे गजल में, मैं कत्ल कर देगा बंदे बंदे, मरना नहीं चाहता। शुक्र तू मारने आ रहा है, तू शुक्र कर रही है? औरत है, डाइन है, तू कौन है? अपना प्लान बता मुझे। चुप कर जा, तू खुदा के वास्ते चुप कर जा। नहीं आ रहा हूँ, रास्ते में टपक गए। तू सोच क्या रही है? तू टाइम बता। बहुत पूरा टाइम, ऐसा टाइम लाइफ में नहीं आया कभी मुझ पर। मैंने तुझसे टाइम पूछा है ना, जल्दी बता। तो सांप हूँ मैं क्या? गर्दन को पीछे ले जाऊं, कलाई पे बंधी घड़ी में टाइम देखूं, तुझे बता दूं? देखती नहीं है, हाथ बंधे अब तक मेरे। जल्दी से खोल। घर से निकली क्यों थी तू आकर? हो गया, अब टाइम बता। सुबह होने वाली, 5:30 बज गए। सुबह होने नहीं वाली, सुबह हो गई है, हमें अभी निकलना होगा। तो जाएंगे कहाँ? ये तो नजर जगह क्या है, कहाँ है हम, मुझे पता ही नहीं कुछ रास्ता कहाँ है, घर कैसे पहुँचेंगे? तू एक काम कर, यहाँ पर बैठ और उनके होश में आने का इंतजार कर। जब वो होश में आ जाएंगे ना तो उनसे पूछना घर का रास्ता कहाँ है, ठीक है? तो निकले फिर। एक तो सारे के सारे सियासतदान सड़कों के खिलाफ हैं, सड़कें नहीं बनाते, सड़कें होंगी तो रास्ते बनेंगे, और मैं सड़क कहां से ढूंढूं, बाहर कैसे निकले हम? तू एक काम कर, अगले इलेक्शन का टिकट ले और इलेक्शन जीत, और फिर यहाँ सड़क बनवा देना, समझा? तो मुझे सर्दी लग रही है और इसको सड़क की पड़ी है। सुनो, लो मरो पहनो। हम साइकिल पर जाएंगे। देख जिस तरह तेरे बाप के यहाँ पीसी हुई है ना, वैसे मेरा बाप ने चिंची नहीं चलाता। और ये तुमने किसकी शर्ट? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, इससे पहले कि तेरा वो हुंडा आशिक आ जाए यही साइकिल वाला हो जाए। बैठ 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 बैठ। हे हे ला 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 ला। अच्छा कुरैशी साहब, ये बताइए आपके किसी से कोई दुश्मनी या किसी पे कोई शक वगैरह है आपको? नहीं नहीं,
ऐसी कोई बात नहीं है इंस्पेक्टर साहब। अच्छा, आपने अखबारकारों को देखा था? मेरा मतलब है आप उनको पहचान सकते हैं? नहीं, मैं तो गाड़ी का टायर चेंज कर रहा था, जब मैं उठा तो सब रवाना हो गए थे। चलें, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही कुछ पता चलेगा आपको बताएंगे। और अगर आपके पास अखबारकारों की कोई भी कॉल आए आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। जी जी, ज़रूर बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, हम किसी से डरते थोड़ी हैं। क्या चीज क्या है तू? अपने मंगेतर के साथ बैठी गाड़ी में, वो पंचर हो गई, मेरे साथ बैठी साइकिल पे, ये भी पंचर हो गई। और तू क्या है दिलफेक आशिक? पहले लड़कियां अकेली देखी तो मदद के लिए आ गया, फिर ये साइकिल लेकर आ गया। डेट चल रही है ना यहाँ पर, तो जैसे बहुत मजा आ रहा होगा तुम्हें। ऐसे मत बोलो दिलफेक आशिक, ये तुम्हारा हक नहीं है, किसी और का है। किसका? तेरी उस मंगेतर का। उसकी कथई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियां उड़ियां खंजर वंजर सब। ओ कथई आंखें तो मेरी है। लेंस लगा कर आई है, इसकी ओरिजिनल है। आजा, चल चल। इस लड़के और लड़की ने हमारे पिंड की रिवायत का मजाक उड़ाया है, लिहाजा मेरा फैसला है कि इन दोनों को अभी और इसी वक्त गोली मार दी जाए। गोली मार दो इनको। अब्बा ऐसा नहीं करें, अब्बा बचा ले, खुदा के लिए माफ कर दे। ये कौन लोग हैं? इनको पहले पकड़ो वरना गड़बड़ हो जाएगी। ओ पकड़ो इन्हें, लो अगर बात जारी लग देने। भाई मुझे लगता है भाभी ने उसे भगाया होगा। टूटो से, टूटो और दूर के नहीं भागोगे, टूटो अच्छा। अब दाएं में कहाँ जा रहे हो? इस तरफ भागो, इस तरफ भागो। क्या हुआ? क्या हुआ? रुक क्यों गई? वो मार देंगे उस लड़की को, मार देंगे। नहीं नहीं नहीं, वो पहले हमें मारेंगे फिर उन्हें मारेंगे। ये कौन सी जगह है जहाँ इतना जुल्म हो रहा है? हमें फौरन पुलिस को इत्तला करनी चाहिए। ये तेरे आशिक की आवाज है, भाग, मैं कह रहा हूँ। मुझसे अब नहीं भागा जाए। अरे ऐसे कैसे नहीं भाग सकती? भाग। ओ कदे मिलता सही, ओ रे जानी ओ रे प्यारा ओ रे ओ सोना, कदे मिलता सही। मुझे फोन करी तू गोराई, हाँ हजार बोकेश गोराई। मुझे फोन करी तू गोराई, हजार बोकेश गोराई। हाँ हाँ जानी आ जानी, हाँ मजे तू रानी आ दसल मक्की जानी, हूँ बात तो अच्छा कदे मिलता। साला चोर, चोरी करता है? किसकी बेटी भगा के ले आया? बोल, दूर हट के बात कर, पागल हो गया क्या बुड्ढे? मेरे बेटे की कमीज उठा के ले गया है, मेरी साइकिल लेके भाग गया। पंचर होगी तो यहाँ खड़ी कर दी तूने? है उतर 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 उतर, मैं तेरा सर बांधूंगा। अरे अरे अरे, खालू रुक जा, खालू खालू खालू, आप मेरी बात सुने। हमें कुछ लोग यहाँ अगवा कर लेकर आए थे, और वहाँ कोई कुछ लोग एक लड़का और लड़की को मार रहे हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप हमें किसी थाने लेकर चले, वरना वो लोग हमें भी मार देंगे और उस लड़का लड़की को भी। हाँ खालू, हम बहुत परेशान हैं। तो चुप कर। लेकिन यहाँ पुलिस भी कुछ नहीं करेगी, जो फैसला करेगी पंचायत करेगी, पुलिस नहीं आएगी बीच में। ऐसे कैसे नहीं आएगी पुलिस, जब हमने खुद देखा है? हाँ, हमें यहाँ से निकाल दो खालू, हम यहाँ एक दफा यहाँ से निकल जाएं, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, कुछ बना लेंगे। जहाँ तक बात है शर्ट्स की, इससे बहुत अच्छी क्वालिटी की बहुत सारी शर्टें आपके बेटे के लिए भिजवाऊंगा, वादा है मेरा, ये वादा है मेरा। इतनी देर से क्या सोच रहे हो खालू? एक ही रास्ता है,
मैं यहाँ के रस्तों से वाकिफ हूँ तो मैं सड़क तक पहुँचा दूंगा, ठीक है? और उसके बाद तुम्हारी मर्जी है, शहर से चाहो तो पुलिस ले आना। लेकिन तब तक तो वो लोग मार देंगे उन्हें। कोई नहीं मारेगा उन्हें, वो बच जाएंगे, हम मर जाएंगे। तुम वहाँ चिल्लाओ, विटनेस तो हमें चिल्ला रही हो खड़ी होके। अच्छा खालू, आप हमें एक फोन तो करवा दें। अरे बेटा, अगर फोन हमारे पास होता तो हम यहाँ होते। नहीं, चांस बहुत है। आ जाओ खालू, रोड दिखाओ, रास्ता दिखाओ, आ जाओ। अल्लाह बख्श, ये मेरे मेहमान हैं, इन्हें खैरियत के साथ पहुँचा दें। पर भाई, शहर तो मैंने जाना नहीं, वो मेन रोड के करीब कर दूंगा अड्डे पे, वहाँ से कोई ना कोई शहर गड़ी मिल जाएगी। हाँ चलो ठीक है, ठीक है, अल्लाह बेली। अल्लाह बेली। अच्छा भाई, रब रखा, ठीक है, भेजो काका राम नाल। शर्ट भिजवा दीजो। मेरे नशे की वजह से, मेरे नशे की वजह से मेरी परी चली गई। मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। नहीं भाई, नहीं भाई, भाई मर जा, चोर मुझे नहीं छूंगा मैं। ए, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? इधर ही थोड़ी दूर ठहरे हुए हम लोग। अच्छा अच्छा, यहाँ करीब में ठहरे हो। अच्छा ये बताओ कि तुम दोनों ने कोई एक लड़का लड़की है उसको देखा? वो शहरी लागे दे। हम भी उसी को ढूंढ रहे। तुमने देखा उसको? हम भी तो उसी को ही ढूंढ रहे। वो लगता है कि वो रोड से नस गए ने, वरना ओ मिल जाते ना अभी तक। हाँ पर ही गई रोड, मेरी परी गई, मेरी मोहब्बत। तो खड़ो है नू भाई, सब हट जा, हट तू, तू जा, भाग भाग। पागल लग रहा है मेनू। ओ काका उठो, उठो, मंजिल आ गई है। ओ, उठो, चलो। तुम जाओ चाय बनाओ ना, मैं आ रहा हूँ। अबे ओ बादशाह सलामत, आंखें खोलो और हकीकत देखो। लो जी, मेरा यहीं तक का वादा था, यहाँ से शहर गड्डी मिल जाएगी। ये जगह कौन सी है? दारो है, कराची नेड़े है यहाँ से। गाड़ी वाड़ी मिली? हाँ आराम से यहीं से गड्डी मिल जाएगी इंशाल्लाह आपको। Somewhat super. चलो एक काम कर, फटाफट फोन कर ले घर। सोच रही है? अब क्या सोच रही है? मैं ऐसे घर नहीं जाऊंगी, बड़ी मुश्किल हो जाएगी यार। क्या मुश्किल होगी? कोई मुश्किल नहीं होगी। बड़ी छोटी सी थी वो, कजन है मेरी, खाला की बेटी, इतनी सी थी। उसके वालदैन गुजर गए, अम्मा नहीं पाला, फिर मेरी उसकी मंगनी हो गई। और तू, तेरा तो माइयों भी हो गया, कार्ड बट गए, परसों शादी है। अब ऐसे कैसे तू और मैं शादी कर लेंगे? पागल हो गई है क्या? देख, ज्यादा फ्लर्ट करने की जरूरत नहीं है, समझा? मैं वो नहीं कह रही, हम अभी पुलिस को फोन करेंगे, उधर रेड करवाएंगे और उन पंचायतियों को पकड़वाएंगे और उस भाई को भी, फिर होगा मिशन कम्प्लीट। ग्रेट प्लान, ग्रेट प्लान। एक काम कर, वो रास्ता तेरा, ये रास्ता मेरा। तो तू साथ नहीं आ रहा? चांस ही नहीं है कोई, कुछ चांस ही नहीं है। ओके, तो फिर मैं पुलिस के पास जाकर एक पर्चा और कटवाऊंगी और उनके सामने बयान दूंगी कि तूने उन किडनैपर्स की मदद की और तू उनका सहूलतकार है, ठीक है? मायूं की दुल्हन ने ब्लैकमेलर है तू कोई?
कम से कम मैं तेरे जैसे दिल फेंक तो नहीं। अब तेरा मेरा रास्ता तब तक एक है जब तक ये मिशन कंप्लीट नहीं हो जाए। अरे क्या मिशन 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 मिशन, घर से तू भाइयों करने निकली थी, ड्राइव करने निकली थी या मिशन बनाने निकली थी? जो भी हो, जो कह दिया सो कह दिया। गवाह बना ले मुझे, गवाह ले, गवाह बना ले मुझे, तेरे खिलाफ गवाही दूंगा, दो ठेके के सड़क छाप आशिक, भाई है तू, शर्म कर। चिचोर पन ज्यादा नहीं कर, मैं तो वही चिचोरा, पैदाइशी चिचोरों में, ये ले, ये ये ले, चिचोरपन कर लिया, चिचोरपन कर लिया, ले ले कर ले जो करना। प्यार किया था मैंने तुमसे और तुमने पुलिस बुला ली, अच्छा नहीं किया तुमने। ओए धमकी देता लड़की को, लेके चला इन्हें। नहीं नहीं साहब, धमकी नहीं दे रहा, शिकवा कर रहा था, प्यार वाला। प्यार वाला शिकवा, आजा तेरे शिकवे कराए, ये गली में थाना है, आजा आजा आजा, भाई बना फिर रहा है, आजा। कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। सर सर, यही थे वो लोग जो उस लड़का लड़की को मारने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा तू है इस पंचायत का डॉन, लड़का लड़की का है? केड़ी लड़का लड़की, और वैसे भी पिंड दिया सारे बच्चे ते बच्चिया ओ हमारी औलाद है, भला हम किसी को क्यों मारेंगे। झूठा, जिले लाई बन के फैसले सुना रहा था, लड़का लड़की को मार रहा था, कह रहा था मोहब्बत की शादी की है, मार दूंगा, क्यों बदल? और रन लड़का और लड़की बरामद कर दे, वरना तुम सबको अंदर कर दूंगा मैं। ना ना ऐसा ना ना, ए ए मैं नहीं कीता है। चुप, मक्कारी बनकर ये सब असला रिकवर करो। ये जालिम आदमी को देखो, इतना मोटा डंडा लेके बैठा हुआ है। ये मैं भंग कूटता हूँ इससे। और अगर तूने अब भी सीधी तरह नहीं बताया ना तो ठोक दूंगा मैं तुझे, समझा? वो लड़का लड़की जो है ना वो, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इतनी देर क्यों लग रही है। कितनी देर पहले इतला की थी, अभी तक तो आ जाना चाहिए था उन्हें। बहुत गैर जिम्मेदारी है ये। Hints prove that. कोई लड़की अगर सड़क पे अकेली खड़ी हो वो भी रात में, तो किसी लड़के को उसकी मदद के लिए अपनी गाड़ी से उतरना नहीं चाहिए। बस साबित हुआ कि अगर करनी भी चाहिए तो फ्लर्ट की नियत से नहीं, अच्छी नियत से। शान, इसकी आंखें तो बिल्कुल कत्था ही नहीं है, बताओ अब तीसरी कौन है? यानी कि खुद को दूसरी कंसीडर कर रही है? चीपर, मुझसे बिछड़कर कब तुम पहले जैसी हो, ठीक है पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर सब। बाबा। बेटा गजल, कैसी हो तुम, ठीक हो? जी बाबा। मेरा बेटा कितना परेशान रहा है। कहा था ना ख्याल रखा कर, लेकिन तुझे तो अपनी करनी होती है, अगर कुछ हो जाता तो। कुछ हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है मुझे, मैं बिल्कुल आपके सामने ठीक ठाक खड़ा हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। आप परेशान क्यों हो रही हैं? कुछ हुआ ही नहीं। क्या हो गया, कहाँ चली गई थी तुम? बाबा मैं ठीक हूँ। लड़की और लड़के के वालिदैन को ऐसा चुपचाप बुला रहे हैं? तो ये है वो बूढ़ा, बेचारा सर्दी से ठिठर रहा होगा, इसलिए तुमने उसको अपनी जैकेट भी दे दी। मैं बता दू, हुई यही इसका दादा था, वो किडनैप हो गया, अभी यहाँ भीड़ भाड़ लग गई मीडिया की, बदनामी के डर से सामने नहीं ला रहे उसको। अच्छा, और बेचारी पोती ने बदनामी उठा ली, इडियट। फैसल, क्या तुम्हें मेरी कत्थई आंखों में जंतर मंतर नजर आते हैं? जी मतलब चाकू वाकू छुरियाँ वुरियाँ खंजर वंजर सब नजर आते हैं? आप मेंटली स्ट्रेस हैं गजल, गाड़ी में चल के बैठते हैं, मुझे आपकी जहनी कैफियत इस वक्त दुरुस्त नहीं लग रही। Thank you.
अम्मी को तो ले ले। अम्मी